subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 16. Write the coordinates of the vertices of a rectangle. एक रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 6 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली. उसकी लेंथ 6 यूनिट है और ब्रेथ 4 यूनिट्स है. वन वर्टेक्स एट ओरिजिन, एक वर्टेक्स ओरिजिन पर आती है. द लॉन्गर साइड इज ऑन एक्स एक्सिस, बड़ी वाली साइड एक्स एक्सिस पर है. एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और एक वर्टिसेस थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करती है. ऑल्सो फाइंड द एरिया, और एरिया भी बताना है इस रेक्टेंगल का. तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, अगर मैं आपको यहां पर रफ डायग्राम से बताऊं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक जो कोऑर्डिनेट है, एक वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट वो ओरिजिन है यानी 0.0, और एक पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि यहां पर थर्ड जो क्वाड्रेंट है दिस यहां लाई करता है. एक्स एक्सिस पर इसकी लेंथ है, लॉन्गर साइड लेंथ जो है एक्स एक्सिस पर है, तो या तो एल यहां होगा या फिर एल यहां होगा. अगर एल मैं यहां लेता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही इसका पॉइंट आएगा और रेक्टेंगल ऐसे बनेगा. अगर मैं एल इस साइड ले लेता हूं तो यहां आएगा इसका थर्ड क्वाड्रेंट जो कि फोर्थ के अंदर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो करेक्ट वाला इस तरह की फॉर्म में बनेगा. तो अभी से हम करेक्ट वे में लिखते हैं. तो करेक्ट वे में लिखने के लिए आपको ग्राफ पेपर पे ये डायग्राम बना के दिखाना होगा या रफ में आप दिखा सकते हैं. तो यहां पे आ जाएगा एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट. अब एक वर्टिसेस ए को मैं क्या ले लेता हूं 0.0, और इसकी 6 यूनिट यानी यहां अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेता हूं दिस पॉइंट, ये हो जाएगा बी. अब ये 6 यूनिट है तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -6.0. क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड पर आ रहा है ओरिजिन के, तो माइनस का आएगा यहां पे. सिमिलरली नीचे की तरफ हम 4 यूनिट यहां पर आते हैं, दिस इज 4 यूनिट, और अब यहां पे भी आप क्या करेंगे 4 यूनिट नीचे की तरफ आएंगे लाइक दिस. ये आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये पॉइंट डी. सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट लिख लूं, 4 यूनिट बिलो द ओरिजिन है और वाई एक्स, वाई एक्सिस पे है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.-4. सिमिलरली यहां कोऑर्डिनेट देखें सी के तो हो जाएंगे -6.-4. तो हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेक्टेंगल आर ए 0.0, बी -6.0, सी -6.-4 और डी 0.-4. ये आपके आ जाएंगे. अब एरिया भी आपको बताना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, एल इंटू बी, तो लेंथ यहां पे है 6 और 4 ब्रेथ है, तो 6 इंटू 4 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा.